और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। संजय दत्त के स्पेशल कोर्ट में सरेंडर करने के दौरान उनके दोस्तों ने मीडिया के साथ की मारपीट। पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ में रणबीर कपूर का कौन सा खास दोस्त उनका पत्ता साफ करने की कर रहा है तैयारी, और दिखाएंगे वरुण धवन और परिणीति चोपड़ा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। संजय दत्त ने फाइनली आज कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया है, और इसी दौरान संजय के कुछ दोस्तों ने मीडिया के साथ की मारपीट। आइए आपको देते हैं इस खबर की पूरी अपडेट आज की टॉप स्टोरी में। मेरे को सरेंडर करना है प्लीज होने दीजिए, मेरे को सरेंडर करना है प्लीज होने दीजिए। संजय दत्त के सरेंडर के दौरान हुआ बड़ा ड्रामा। संजय दत्त के साथियों ने मीडिया के साथ की बदसलूकी। आखिरकार वही हुआ जिसका डर सबको सता रहा था। थर्सडे को संजय दत्त जब बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियों के साथ मुंबई के ताराकोट में सरेंडर करने के लिए घर से निकल रहे थे, संजय दत्त प्रिया दत्त और वाइफ मान्यता दत्त के साथ सरेंडर करने रवाना हुए। इससे पहले कई बॉलीवुड हस्तियां संजय दत्त से मिलने उनके घर पहुंची। लेकिन जब संजय दत्त सरेंडर करने कोर्ट रवाना हुए तभी मीडिया का सैलाब उमड़ पड़ा, और इसी दौरान एक मीडिया रिपोर्टर के साथ संजय दत्त के सपोर्टर्स ने हाथापाई भी कर ली। बताया जा रहा है कि मीडिया से हुई ये बदसलूकी संजय दत्त के क्लोज बडी बंटी वालिया के साथ के लोगों ने की है। हालांकि इसके बावजूद संजय दत्त के साथ उनकी बहन प्रिया दत्त और नम्रता भी थी। फिल्म मेकर महेश भट्ट भी संजय दत्त के साथ कोर्ट तक उन्हें छोड़ने गए। इस दौरान महेश भट्ट और संजय दत्त की सिस्टर प्रिया दत्त ने हाथ जोड़कर मीडिया से सपोर्ट की मांग की। ए भाई मैं हाथ जोड़ता हूँ। संजय दत्त ने भी कोर्ट रूम में जाने से पहले मीडिया से हाथ जोड़कर कोऑपरेशन की अपील की, और सबको जादू की झप्पी देने के बाद कोर्ट के अंदर सरेंडर करने चले गए। काफी लंबे इंतजार के बाद आखिरकार संजय दत्त मुंबई के सेशंस कोर्ट पहुंचे। मुंबई के सेशंस कोर्ट पहुंचते ही उनकी गाड़ी और गेट का सफर सिर्फ 4 कदम का था, लेकिन मीडिया का इतना हुजूम था कि संजय दत्त को गाड़ी के अंदर लगभग आधा घंटा बैठे रहना पड़ा। आखिरकार महेश भट्ट ने उतरकर मीडिया से मिन्नतें मांगी ताकि वो हटे और उन्हें निकलने दे। संजय दत्त जब कोर्ट रूम में पहुंचे तो वो काफी रेस्टलेस लग रहे थे, और उन्होंने सबसे पहले अंदर जाकर पानी मांगा। कोर्ट ने संजय को सजा के वक्त कुछ सुविधाएं लेने की परमिशन भी दे दी है। संजय को पहले महीने घर का खाना, पिलो, मैट्रेसेस और मेडिसिन लेने की इजाजत दे दी गई है। सरेंडर के बाद संजय दत्त का मेडिकल एग्जामिनेशन होना है, और बाकी फॉर्मेलिटीज के बाद उन्हें पुणे की येरवाड़ा जेल तक ले जाया जाएगा। इस दौरान भी मीडिया का काफिला अगर साए की तरह उनका पीछा करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। शायद इन्हीं वजहों से सुरक्षा के मद्देनजर संजय दत्त ने मुंबई के ताराकोट की जगह सीधा पुणे की येरवाड़ा जेल में सरेंडर करने की अपील की थी। लेकिन सरेंडर से एक दिन पहले संजय दत्त ने स्पेशल ताराकोट से अपनी अर्जी वापस ले ली, और उसी दिन उनके घर के सामने कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के एक्टिविस्ट ने प्रदर्शन शुरू कर दिया था। इस प्रोटेस्ट में संजय दत्त से मिलने आए एक्टर अजय देवगन के मॉब होने की खबर भी आई थी। उसी दिन मुंबई के आर्थर रोड जेल को मिली एक गुमनाम चिट्ठी से भी हड़कंप मच गया था, जिसमें संजय दत्त को जान से मारने की धमकी दी गई थी। गौर करने वाली बात यह है कि इस जेल में सरेंडर के बाद संजय दत्त को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए ले जाया जाना था। इन्हीं सब वजहों से संजय दत्त को पुणे की येरवाड़ा जेल जाने तक की जर्नी पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। संजय दत्त के सरेंडर का कंप्लीट अपडेट आपको जूम पर लगातार मिलता रहेगा। फरिल्का श्रीवास्तव एंड चेतना सिंह, जूम मुंबई। रणबीर कपूर का एक खास दोस्त पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ में उन्हें चैलेंज करने की कर रहा है तैयारी। कौन है रणबीर का वो खास दोस्त? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। रणबीर कपूर अपने कैंप की जिस यंग ब्रिगेड को सिग्नल तोड़-ताड़ कर करियर में मदद कर रहे थे, उन्हीं में से एक ने सारे सिग्नल तोड़-ताड़ कर खुद रणबीर के करियर और पर्सनल लाइफ की गली में घुसा दी है अपनी गाड़ी।
उस यंग स्टार ने अब सिर्फ रणबीर के प्यार की डगर पर ही कदम बढ़ाने शुरू नहीं किए हैं, सिर्फ रणबीर की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड से नैन मटक्का करने की चाहत नहीं जताई है, बल्कि उसने तो अब कर लिया है रणबीर को ही ब्रांड वर्ल्ड में चैलेंज करने का पक्का इरादा। रिपोर्टेडली रणबीर के ही एक सबसे क्लोज बडी ने साइन किया है रणबीर के मोबाइल ब्रांड के एक बड़े राइवल ब्रांड को। ये तो जूम आपको पहले ही बता चुका है कि हाल ही में रणबीर को एक बड़ा चैलेंज मिला था जब रणबीर सिंह के साथ हो रही एक इंटरनेशनल मोबाइल ब्रांड की डील की खबर आई थी। लेकिन ये मोबाइल वॉर लेने जा रहा है एक खतरनाक मोड़, क्योंकि जहां रणबीर को इस लड़ाई में सक्सेस की तरफ तेजी से बढ़ते अपने सबसे बड़े कंपेटिटर रणबीर सिंह को हराना है, वहीं इस जंग में उनके अपने कमांडर्स भी उन्हें कॉम्पिटिशन देने के लिए तैयार है, प्रोफेशनल लेवल पर भी और पर्सनल लेवल पर भी, क्योंकि रणबीर की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड कैटरीना से फ्लर्ट करने की चाहत भी रखता है उनका ये क्लोज बट। मैं कोई सीनियर एक्ट्रेस के साथ फ्लर्ट करना चाहूंगा जिसकी जरूरत मुझे आमने सामने नहीं होगी, तो शायद कैटरीना कैफ। अच्छा, सब लोग पिटेगा। जी हाँ, वरुण धवन ही है रणबीर के वो सबसे क्लोज बारीज में से एक, जो लगता है रणबीर से ही कम्पीट करने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि वो रणबीर ही हैं जिनके वरुण को एड वर्ल्ड में काफी सपोर्ट करने की खबर आई थी। रिपोर्टेडली वरुण की सबसे पहली ब्रांड एंडोर्समेंट डील में भी रणबीर का काफी इम्पोर्टेंट रोल बताया गया था। तब कहा गया कि रणबीर क्योंकि खुद एक इंटरनेशनल सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड को प्रमोट करते हैं, इसलिए उन्होंने अपने कैंप के ही वरुण धवन का नाम अपने राइवल सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड के लिए स्ट्रॉन्गली पिच किया। आखिर वरुण को रणबीर अपने यंग कैंप का काफी अफेक्शनेट मेंबर जो बताते आए हैं। अर्जुन, वरुण अभी फिल्म में डेब्यू कर रहा है, रणबीर है, इमरान है, शाहिद है, प्रतीक है, आदित्य रॉय कपूर है, ये सब हम एक पीढ़ी के एक्टर्स हैं। वी ऑल आर फ्रेंडली, जब भी हम मिलते हैं हमको टाइम मिलता है मिलने के लिए, तो हम फुटबॉल खेलते हैं या वीडियो गेम्स खेलते हैं। मैं अर्जुन और वरुण को बचपन से जानता हूँ। वैसे हो सकता है कि वरुण के पहले ब्रांड एंडोर्समेंट की ही तरह रणबीर ने इस बार भी उस राइवल मोबाइल ब्रांड के लिए खुद ही वरुण का नाम आगे बढ़ाया हो, जिसे वो अपने ब्रांड कमिटमेंट की वजह से चाहकर भी साइन नहीं कर सकते। वैसे रणबीर उसी ब्रांड के LED और LCD टेलीविजन्स अभी भी एंडोर्स करते हैं। कैटरीना भी उसी ब्रांड के एयर कंडीशनर्स प्रमोट करते देखी जाती रही हैं। और अब जब सुनने में आ रहा है कि उसी ब्रांड के मोबाइल्स को प्रमोट करने के लिए चुना जा रहा है वरुण धवन को, ऐसे में इशारा तो यही मिल रहा है कि रणबीर को भी पता है कि वो खुद जाकर भी सारे ब्रांड्स एंडोर्स नहीं कर सकते, ऐसे में अपने कैंप के यंग स्टार्स को भी क्यों ना प्रमोट किया जाए। लेकिन अगर कहीं रणबीर के करियर और लव लाइफ से जेलस होकर किसी की नियत डोल जाए तो भला इसमें कोई क्या कर सकता है। मैं कोई सीनियर एक्ट्रेस के साथ फ्लर्ट करना चाहूंगा, कैटरीना कैफ। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण अब भले ही अलग हो चुके हैं, लेकिन आज भी इन दोनों स्टार्स के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार कहीं ना कहीं बाकी जरूर है। आइए आपको दिखाते हैं एक रीसेंट इवेंट पर हुए एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट के बारे में। रणबीर और दीपिका को आज भी याद है एक साथ बिताई गई उनकी खास यादें। अब ये दोनों स्टार्स भले ही सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आज भी इन दोनों स्टार्स को हर वो पल अच्छी तरह से याद है जो इन्होंने साथ में बिताया था। रिसेंटली एक इवेंट पर जब रणबीर से एक रिपोर्टर ने उनकी इन खास यादों के बारे में पूछ लिया तो कुछ ऐसा था उनका रिएक्शन। बहुत ट्रिप्स याद है, बट मैं क्या करूँ, आप पूछना क्या चाह रहे हो। रणबीर इस सवाल के बाद पहले तो कुछ सोचने लगे, लेकिन बाद में ब्लश करते हुए इन खास यादों को शेयर करने से इनकार कर दिया। वहीं कल एक इवेंट पर जब दीपिका से पूछा गया कि रणबीर को तो आपके साथ बिताए गए सारे पल याद है, इस पर आपका क्या कहना है? What made him say that? He has great memory power, that's all I can say. Or maybe very, very memorable moments, I think. Well, दीपिका ने पहले तो रणबीर की अच्छी मेमोरी की तारीफ की और फिर कबूल कर लिया कि वो यादें इतनी स्पेशल हैं ही कि रणबीर को वो सब कुछ याद है। साथ ही इस इवेंट पर जब दीपिका से बॉलीवुड के बेस्ट ड्रेस्ड और स्टाइलिश एक्टर के बारे में पूछा गया तो दीपी ने शर्माते हुए फिर अपने एक्स रणबीर कपूर का ही नाम दिया।
I would have to say Ranbir. Well, कहते हैं ना, पहला प्यार तो हमेशा पहला ही होता है। अब भले ही ये दोनों लवर्स अलग हो चुके हैं, लेकिन आज भी इन दोनों स्टार्स के दिलों में एक दूसरे के लिए खास जगह है। दीपिका ने इस इवेंट पर अपने रिलेशनशिप से जुड़ी कोई पुरानी बात तो शेयर नहीं की, लेकिन हाँ, रणबीर के सीक्रेट को उन्होंने सबको बताया। He gets scared of a spider. I mean, if you're in a room and if there's a spider or a cockroach, be rest assured that everyone else will be running behind it to sort of shoo it away and Ranbir will be hiding under the bed. Moving on, इस इवेंट की बात करें तो दीपिका ने अपनी एक और दिल की बात यहाँ मीडिया के साथ शेयर की। I believe that we're both very romantic people, so I think it would be a love story. जी हाँ, मौका मिलने पर दीपिका बॉलीवुड दबंग सलमान खान के साथ एक रोमांटिक फिल्म करना चाहेंगी। We hope दीपिका, सलमान आपकी इस विश को सुन रहे होंगे। और चेतना सिंह, Zoom, Mumbai. एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की 2020 क्रिकेट लीग की टीम पर लगा है स्पॉट फिक्सिंग का आरोप। आइए आपको देते हैं इस पूरे खबर की लेटेस्ट अपडेट। 2020 क्रिकेट लीग में शामिल एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी की टीम पर लगा है एक बड़ा आरोप। शिल्पा शेट्टी की टीम के तीन प्लेयर्स को मुंबई के एक होटल से कर लिया गया गिरफ्तार, और इसके पीछे वजह बताई जा रही है कि शिल्पा शेट्टी की टीम के तीन प्लेयर्स एस श्रीशांत, अंकित चौहान और अर्जुन चंदेला स्पॉट फिक्सिंग में शामिल है। रिपोर्टेडली पुलिस ऑफिशियल्स का कहना है कि पिछले कुछ समय से शिल्पा शेट्टी की टीम के ये तीन प्लेयर्स बुकीज के संपर्क में थे और इन्होंने दो या तीन मैचेस में स्पॉट फिक्सिंग करने की कोशिश भी की थी, लेकिन उस वक्त पुलिस ऑफिशियल्स के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। लेकिन कल शाम हुए एक मैच के बाद पुलिस के हाथ कुछ एविडेंस लगे हैं, जिससे ये साफ हो गया है कि ये तीनों प्लेयर्स स्पॉट फिक्सिंग में शामिल हैं। इस खबर के बाद शिल्पा शेट्टी ने मीडिया को एक बयान जारी करते हुए कहा है, We have been informed that three of our players have been called in for investigation on spot fixing in matches. We are completely taken by surprise. We do not have the full facts at this point and are unable to confirm anything. शिल्पा के बाद उनके हस्बैंड और टीम के ओनर राज कुंद्रा ने इस इंसिडेंट पर ट्वीट करते हुए कहा है, Just when the IPL was going on so smoothly without controversies, I woke up to the news of three Rajasthan Royal players alleged spot fixing. Investigations are on. Well, Shilpa और Raj दोनों ही इस incident से काफी surprised लग रहे हैं और उन्हें भी अपनी टीम के players के गिरफ्तार होने पर काफी shock लगा है। अब देखने वाली बात होगी कि police investigation में और किस किस player और team officials का नाम सामने आता है। Bureau Report, Zoom, Mumbai. सलमान खान को ब्लैक बॉक्स केस में राजस्थान कोर्ट से मिली है बड़ी राहत। क्या है इस केस की लेटेस्ट अपडेट, आइए जानते हैं। जहां आज संजय दत्त को मुंबई के एक टाटा कोर्ट में सरेंडर किया जा रहा है, वहीं उनके फ्रेंड सलमान खान को मिली है एक बहुत बड़ी राहत। जी हां, सलमान खान के अगेंस्ट काफी समय से ब्लैक बॉक्स केस एक खतरे के जैसे मंडरा रहा है, और इसी केस में आया है एक न्यू अपडेट जो सलमान खान को रिलीव करता है। खबर आई है कि राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने जो रिविजन ऑफ चार्जेस अंडर आर्म्स एक्ट पिटिशन फाइल की थी, उसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। दरअसल राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट की ये पिटिशन थी कि सलमान ने जब ब्लैक बॉक्स को मारा था, तब उनका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था, और इसी बात को कोर्ट ने ये बोलकर रिजेक्ट कर दिया कि इस केस की स्टार्टिंग से ट्रायल प्रोसेस करनी होगी, जिससे डिसीजन लेने में ज्यादा टाइम लगेगा, और इसी के चलते द केस हैज बीन रिजेक्टेड व्हिच वाज फाइल्ड अगेंस्ट सलमान खान। फॉर चेतना सिंह, Zoom, Mumbai. रिसेंटली रमेश तौरानी के बेटे गिरीश की फर्स्ट फिल्म रमैया वस्तावैया का हुआ फर्स्ट लुक लॉन्च, जहां फिल्म की कास्ट ने मीडिया के साथ किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक। ईयर 2012, नए चेहरे और डेब्यू डांस का साल था, और 2013 में वही ट्रेंड कंटिन्यूड रहा है, और न्यू टैलेंट्स को ज्वाइन करने आ गए हैं प्रोड्यूसर कुमार तौरानी के सन गिरीश तौरानी, और अब उनके बेटे को लॉन्च किया जा रहा है रमैया वस्तावैया में, जिसको प्रभु देवा डायरेक्ट कर रहे हैं। चलिए जानते हैं गिरीश से उनका कैसा रहा एक्सपीरियंस व्हाइल वर्किंग फॉर हिज डेब्यू। बहुत ही मजा आया। It was a very new experience. Obviously, it's a new experience for me. But working with Prabhu sir, Shruti, and so many people on the stage right now, it was a amazing experience, fulfilling. Also, film ki shooting khatam hote hue hi Prabhu Deva apni team ko miss karne bhi lag gaye. Actually, I'm missing everybody. Actually, picture finished. It has to be finished, but I'm missing everybody. वैसे गिरीश का प्रभु देवा की फिल्म के साथ डेब्यू करना is a big opportunity. And let's hear from the father what he has to say about his star kid. I think I'm happy. खुश हूँ, क्योंकि एक अच्छी बात है, प्रभु जी ने मुझे बहुत अच्छी फिल्म बना के दी है। I'm very happy about that. चलिए, तो इस तरह से गिरीश ने बॉलीवुड में एंट्री तो मार ही ली है। We just hope कि इस फिल्म के थ्रू उनका करियर ग्राफ ही सेट हो जाए। For Erika Srivastava, Zoom, Mumbai.
रिसेंटली एक्टर वरुण धवन और परिणीति चोपड़ा पहुंचे एक इवेंट पर और यहां इन दोनों स्टार्स ने जूम के साथ की एक्सक्लूसिव बात। टेक अ लुक। वरुण धवन को फ्लर्ट करते हुए पकड़ लिया है। थोड़ी सरप्राइज हो गए होंगे ना आप। लेट्स चलिए उन्हीं से पूछते हैं कि वो किसके साथ फ्लर्ट करते हुए। मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ही आज्ञाकारी बालक हूँ और मैं लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं फ्लर्ट कर रहा था क्योंकि वो प्रोडक्ट के लिए था, वो मेरा रोल था फ्लर्ट करने का, तो मैं रोल में घुस गया था। जब मैं एक बार घुस गया तो मैं बाहर निकल गया। ओह माय गॉड। और जिनके साथ कर रहे थे उनका क्या रिएक्शन है? परिणीति वेलकम टू ज़ूम। थैंक यू सलमा, थैंक यू। आप तो हंस रहे हैं परिणीति, आप तो बहुत खुश हैं। मैं हमेशा हंसती हूँ क्योंकि आपने इसकी इमेज की चिथड़ी कर दी है बेचारे के। सो स्वीट। नहीं, हम दोनों अपने कैरेक्टर में थे। हम हमारे दोनों का कैरेक्टर का एक ब्रीफ था कि नोक झोंक रखना और प्यार और मोहब्बत रखना, तो वो हम रख रहे थे। बट हम दोनों इतने अच्छे दोस्त हैं कि हम दोनों एनीवे एक दूसरे को कुछ भी बोलते रहते हैं, तो बस वही हुआ स्टेज पे। फ्लर्ट नहीं कर रहे थे तुम? नो, वी वर जस्ट बीइंग आवरसेल्व्स। परिणीति, आई मीन वन एक के बाद एक ब्रांड, एक से एक फिल्में ऑफर, फील नाइस, फील ग्रेट? येस, आई फील वेरी गुड, क्योंकि आई थिंक ये जो नया जेनरेशन ऑफ एक्टर्स आया है, वी आर ऑल वर्किंग वेरी हार्ड एंड उसका हमें फल मिल रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। मैं कभी एक्टर बनना नहीं चाहती थी, लेकिन अब मैं बन गई हूँ तो मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छा काम करूँ, तो यही प्लान है एंड टचवुड अभी तक पूरा हो रहा है। Tell us something about तू मेरा हीरो वाला फिल्म जो आ रही है, with working with that. It's called मैं तेरा हीरो एंड आई एम रियली एक्साइटेड। अभी तो प्रेपरेशन चल रही है, सीन्स के रिहर्सल चल रही है, रीडिंग्स चल रही है एंड जो भी एक्शन सीक्वेंसेस है उसके लिए प्रेपरेशन चल रही है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, बिल्कुल फ्री होके जाना है वो जोन में एंड बहुत ही अलग है स्टूडेंट ऑफ द ईयर से, सो इट्स अ फुल न्यू अप्रोच एंड आई एम जस्ट ट्राइंग नॉट टू डिसअपॉइंट एनीवन एंड होपफुली लाइक द फेथ पीपल हैव हैड इन मी, आई वांट टू कीप दैट अलाइव। सो आई एम जस्ट एंड हंसी तो फंसी इज गोइंग ऑन राइट नाउ। सेट के साथ शूट चल रहा है एंड बहुत ही अमेजिंग सेट है क्योंकि धर्मा एंड फैंटम एक साथ है, तो जितने भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, क्रू है, बहुत ही यंग, बहुत ही एनर्जेटिक है, तो मज़ा आ रहा है। अभी चल रही है शूट, कब साथ में देखना चाहिए? सून, होपफुली वी वांट टू वर्क विद ईच अदर, द राइट स्क्रिप्ट विल कम एट द राइट टाइम, आई थिंक वी विल वर्क टुगेदर ईच अदर एंड इट शुड बी वन ऑफ द most energetic and most powerful scripts hopefully that we get. Thanks so much people, all the best. Cameraman Amol ke saath Salma Khan, Zoom Mumbai. फर्स्ट टाइम ऑन टेलीविजन आज रात जूम आपको दिखाएगा एक बॉलीवुड स्टार के डबल अवतार का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। विशाल से आपका कैरेक्टर कितना डिफरेंट है? जमीन आसमान का फर्क है, खुद देख के आप पहचान सकते हो। डू यू ऑल गेट अलोंग? आपकी बनती है उससे? नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी कभी, आज तक मिला नहीं हूँ, पहली बार मिल रहा हूँ। We don't know each other, we don't really have any interaction. This is arguably perhaps the first time we are together also. कैसी हुई मुलाकात आपकी? आपकी वजह से। तो how was the first interaction? आपका first impression कैसा रहा? बेचारा सा थोड़ा सा। अरे चलेगा। Cool vibes. मेरे जितना good looking है। With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.